हाय फ्रेंड, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है एंड हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आज हैप्पी एनवायरनमेंट डे है तो उसके लिए मैं आज ट्री बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें जो एक आपको इस टाइप का बॉक्स, जिसमें कोई भी आपकी मतलब लाइक ऑनलाइन डिलीवरीज आती है, इस टाइप का कोई भी किसी भी टाइप का बॉक्स, छोटा बड़ा आप उस हिसाब से ले सकते हैं। एक सीजर, ये धनिया है, धनिये का इस टाइप का ले सकते हैं, कसूरी मेथी, वो जो आपके ट्रीज है, ट्रीज की ग्रीनरी बनाने के लिए इसका यूज करेंगे, ग्लू एंड कुछ स्केच कलर्स, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे नया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक ग्रीन पेपर की भी हमें आवश्यकता होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये बॉक्स लेंगे। अब इस बॉक्स पे हम ट्री की शेप में, आपके पास छोटा बॉक्स है तो छोटा और बड़ा बॉक्स है तो बड़ा, इस शेप में ट्री बनाएंगे मार्कर से। ऑफ देन अब इस टाइप का बनाने के बाद हम इसे सीजर से कट करेंगे, इसको हम सीजर से कट करेंगे, लेकिन मैं ये पहले ही बना चुकी हूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी किस शेप में बनी है। इस शेप में, इस शेप में मैं ट्री पहले ही बना चुकी हूँ, ठीक है। तो अब ये शेप हमारी बन चुकी है। अब इसी शेप में हम ऐसे रख के ट्री की शेप में लाइक जो ऊपर का पार्ट होता है वो आपका ग्रीन होता है, नीचे का पार्ट क्या होता है आपका लोअर पार्ट, वो ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन कलर हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। जो ऊपर के पार्ट पे हम इसे ग्रीन वाले को कट करके उसे पेस्ट करेंगे, चलिए वो करते हैं। अब मैंने इसको काट दिया है, इस कटिंग को हम लोग इस पे पेस्ट कर देंगे। अब ये आपका इस टाइप में ट्री बन जाएगा, ठीक है, और जो आपको एक्स्ट्रा कॉर्नर्स लग रहे हैं आप उसको कट कर सकते हैं। अब ये हमारी पेस्टिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ग्लू में लगाएंगे और इस पे स्प्रिंकल करेंगे। ये आप कसूरी मेथी लीजिए, ये स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा 3D लुक आए आपके ट्री में। इस टाइप में आप ग्लू लगा सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद आप इस पे दिस लाइक कसूरी मेथी ली है मैंने, ये आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा 3D इफेक्ट के लिए। और अगर चाहे आपके पास फ्रेश लीव्स है, जैसे आपके पास धनिया है, जैसे आपके पास धनिया है तो आप वो भी पेस्टिंग कर सकती हैं लाइक दिस। जैसे धनिया है आपके पास तो आप ये पेस्टिंग करवा सकते हैं। ये आप कहीं पे भी मतलब लाइक बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। आज जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में आज आप बच्चों को ये एक्टिविटीज भी, जैसे आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को करा सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा ना आपका 3D इम्पैक्ट भी देता है। अब मेरे पास जैसे फ्रेश लीव्स बहुत कम है धनिये की, तो मैं इतना नहीं लगा पाऊंगी, तो मैं जितने लगा पा रही हूँ मैं लगा देती हूँ। अब देखिए बच्चे को भी, बच्चे के लिए भी बहुत इजी है करना, करो पियो और डू इट, हाँ स्प्रिंकल इट ऑन ट्री, हाँ इट मेक्स 3D इफेक्ट टू योर ट्री, हाँ थोड़ा स्प्रिंकल करो इसे और करो। आप स्प्रिंकल करते रहो इसमें मम्मी, मैं करूँ मैं, हाँ डू जैसे थोड़ा ड्राई है ना, तो इस वजह से थोड़ा ड्राई इफेक्ट दे रहा है लाइक पतझड़ में, जैसे ऑटम सीजन में होता है, लेकिन जब आप थोड़ी फ्रेश लीव्स लगाएंगे ना तो ये थोड़ा सा आपको फ्रेश लुक देगा। तो जो आपके पास घर में अवेलेबल है, डजेंट मैटर, अगर आपके पास कलर्स है कलर्स कर दीजिए, जो आपके पास है आप उसके अकॉर्डिंग चीज यूज कर सकते हैं ट्री बनाने के लिए। अभी जो एक्स्ट्रा है ये हम थ्रो कर दीजिए, या आप अपने पास ये इकट्ठा करके रख लीजिए, आप ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लीन थिंग। आप देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में, ठीक है। अब अगर आपके पास ब्राउन पेपर है तो आप लाइक जो, जैसे मेरे पास ये ग्रीन शीट थी तो मैंने ग्रीन शीट लगा दी इसकी, क्योंकि जिससे क्या है उसको ग्रीनरी से ये थोड़ा लाइट सा लगेगा। और बाकी यहाँ पे आप ब्राउन पेपर है तो आप ब्राउन पेपर भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लेट्स सी आई कैन व्हाट आई कैन डू। अब मैं इसमें, मेरे पास कुछ वाटर कलर्स हैं तो मैं उससे कलर्स करूँ। ये मेरे कलर्स हैं। यस इट्स योर।
अब इस पे हम इस टाइप से मैं कलर करूँ। चाहे तो मैंने जैसे कहा कि आप पानी लिया हाँ कि आपके पास सेम कलर का वो है तो मैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको पेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन की पेस्टिंग, अब हम इस पे जैसा कि कलर कर रही हूँ मैं इस पे, ब्राउन कलर है मेरे पास। बच्चों से इस पे आप और भी एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे लाइक स्टिकर्स भी लगवा सकते हैं। अब मैंने ये कलर कर लिया है, देखिए बिल्कुल ट्री जैसा लग रहा है, ठीक है। अब हम इसके नीचे थोड़ी से लीव्स बनाएंगे, जैसे ग्रीन की ये वाला कलर है मेरे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे आपके ग्रास होती है ना उस कलर में। चलिए तो पहले इसमें मैं बनाऊंगी ग्रास, तो मेरे को थोड़ा सा इतना मोटा लाइनिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली लाइनिंग में ही चाहिए, लाइक दिस होती है ना, ऐसे इस टाइप में ग्रास, इस टाइप में, ये इस टाइप में मैं इसकी कटिंग करूंगी। उस टाइप की लीव्स में भी शायद एक कटिंग हो पा रही मुझसे, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने एक इस टाइप की ये काटी है, स्लिप सी कट किया है, तो पहले मैं इसे पेस्ट कर दूँ यहाँ पे। अब ये इस टाइप में करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, इसको पेस्टिंग कर दूंगी, जिससे क्या है कि जो आपका आउटर एरिया है ना, मतलब लाइक जो कॉर्नर एरिया है वो भी इससे ढक जाए, ठीक है ना। अब इसको जो रेस्ट ऑफ है आपका उसको काट, ठीक है, काट दिए इसे मैंने, जो है उसको पूछ दो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे हम थोड़े छोटे छोटे से ग्रास लगा देंगे, जैसे ट्रीज के आसपास होते हैं, ठीक है। इस टाइप में हम छोटे 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 ऐसे करके काट लेंगे, और ये आप अलग अलग पेस्टिंग करेंगे। अब इस पे आप ऐसे लगा लगा के, ग्लू लगा लगा के फिर आप इसको पेस्ट करते रहिए कॉर्नर में, ठीक है। ग्रास लगा रही हूँ, पेस्टिंग द ग्रास। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपका ट्री बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, इट लुक्स लाइक दिस। और अब आप चाहे तो ना ऐसे ट्रीज और बना सकते हो, चाहे तो आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये मैंने गत्ते में बनाया है, और कहीं भी इसे हैंग भी कर सकते हैं, कहीं भी हैंगिंग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक डोरी डाल के आप उसे हैंगिंग करके अपने रूम में भी लगा सकते हैं, किड्स रूम में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स हैप्पी एनवायरमेंट डे से इससे बेटर एक्टिविटी क्या हो सकती है कि सेफ ट्रीज, उससे बेहतर क्या हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।